गुड आफ्टरनून, मेरा नाम विजय कुमार, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा जैन के ये फारफ्लंग एरिया से बिलोंग करता हूँ। मेरा ये छोटा बच्चा 6-7 साल का, इसको घुटने में प्रॉब्लम हो गई, दर्द हुई रात को बहुत ज्यादा, तो सुबह हम डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने जब इसको देखा तो उसने बोला ऑपरेशन होगा इसका, तो मैंने बोला ठीक है कर दो ऑपरेशन। ऑपरेशन करने के बाद कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसकी जो इन्फेक्शन थी काफी फैल चुकी थी, तो कुछ मुझे तसल्ली नहीं हुई। फिर डॉक्टर ने आगे पीछे 1-2 दिन काफी मुझे लटकाया वहां से, फिर उन्होंने रेफर कर दिया जम्मू के लिए। मैं जम्मू गया तो वहां मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। फिर मैंने डॉक्टर साहब का नाम सुना और अमनदीप अस्पताल का नाम सुना, तो मैं तुरंत इनके पास आया और इन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया कि अब मैं बहुत घबराया हुआ था कि छोटे बच्चे की जिंदगी का मसला था, मैं बहुत ही ज्यादा घबराया था। फिर डॉक्टर साहब ने मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया और इस बच्चे का बोला ये ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो जाएगी। फिर डॉक्टर साहब ने इनका दोबारा से ऑपरेशन हुआ इसका, उस टाइम इसकी जो इन्फेक्शन थी 137 थी, जो कि -5 होनी चाहिए, जो 15 दिन इसको इंजेक्शन लगे और 15 दिन ओरल से, और छुट्टी कर दी डॉक्टर साहब ने। मैं घर चला गया, 15 अगस्त के दिन मैं स्कूल गया तो वहां से वापस आया तो बच्चा बेड पे चढ़ रहा था और उसी टांग उसी जगह से फिर टांग फ्रैक्चर हो गई। फिर मैं दोबारा फिर वही गलती कर बैठा, फिर मैं उसी डॉक्टर के पास गया अपने वहां डोडा में, टेढ़ी सी टांग थी तो उन्होंने ऐसे ही प्लास्टर वगैरह करके आगे पीछे करके वैसे ही कर दिया। मैंने डॉक्टर साहब से फोन पे रब्ता किया और फिर यहाँ आ गया। यहाँ देखा डॉक्टर साहब ने तो लड़के की टांग बहुत ही टेढ़ी थी, तो डॉक्टर साहब ने फिर इनका दोबारा से सीधी की टांग और प्लास्टर कर दिया, जो 1.5 महीने चला। तो 1.5 महीने के बाद फिर प्लास्टर खोल के अब बच्चा मेरा ऊपर वाले की दिया और डॉक्टर साहब की दिया से बहुत ही अच्छा चल रहा है। देखो चलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मेरे पास वो शब्द ही नहीं है जिनके साथ में इनका शुक्रिया अदा कर सकूं। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर नवजोत सिंह, ऑर्थोपेडिक सर्जन, अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट। ये छोटा सा बच्चा पंचाल पिछले साल हमारे पास आया था। जब ये बच्चा आया था तो इसका एक ऑपरेट ऑलरेडी हो चुका था। इस बच्चे को राइट फीमर की ऑस्टियोमोलाइटिस थी, जिसको हम देसी भाषा में कह देते हैं कि उस फीमर की इन्फेक्शन थी और इसके जख्म था और जख्म से काफी ज्यादा पस आ रही थी। तो एक ऑपरेशन होने के बाद वो पस उसकी रुक नहीं रही थी, तो फिर मेरे पास राकेश जी आए तो इनको मैंने समझाया कि इसका एक ऑपरेशन दोबारा होने वाला है, जिस ऑपरेशन में हमने इस जख्म की सफाई की, हड्डी को साफ किया। हड्डी को साफ करने के बाद फिर हड्डी को कच्चा प्लास्टर लगा के उसको एंटीबायोटिक्स के साथ हमने इसको ट्रीट किया और पेशेंट को 2-3 हफ्ते हमने एंटीबायोटिक्स दिए। उसके बाद बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया था, बट घर पे ही कभी अनप्रोटेक्टेड वेट बेरिंग के कारण बच्चा बेड से फिसला या वजन पूरा आने के कारण इसको रीफ्रैक्चर हो गया था, तो उसके कारण फिर इन्होंने कहीं अपने लोकल डॉक्टर से प्लास्टर लगवाया था, तो वहां पे भी फिर इनकी टांग काफी टेढ़ी हो गई थी और जुड़ी नहीं थी। तो उसके बाद ये अगस्त महीने में जब दोबारा मेरे पास आए तो इसको लेग को हमने सीधा करके उसको फिर दोबारा प्लास्टर लगाया। और इनकी अच्छी बात ये थी कि इनको जैसे जैसे हम गाइड करते रहे इन्होंने वैसे वैसे इंस्ट्रक्शन फॉलो किए, इन्होंने हमारे में फेथ दिखाया और भगवान की कृपा से आज ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, इसको कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई फीवर नहीं आ रहा और इसकी हड्डी जो फ्रैक्चर दोबारा हो गई थी वो भी जुड़ चुकी है और आज ये विदाउट एनी डिफॉर्मिटी विदाउट एनी पेन ये चल फिर पा रहा है और अपने सारे काम कर लेता है, खेलता है, दौड़ता है, भागता है, सब कुछ है। थैंक यू।